बीते दिन चंडीगढ़ के धनास में पुलिस द्वारा जबरन रेडी लगाने वालों को निजी कार में उठाकर पीटने का मामला सामने आया है। घटना की वीडियो तेजी से वायरल हो गई। पीड़ित का आरोप है कि शाम को पुलिस वालों ने आकर उसे रेडी को दूसरी तरफ लगाने को कहा और कहने का तरीका धमकी भरा था और पर्चा दर्ज करने की बात भी कही। इतने में ही पुलिस वालों ने निजी कार मंगवाई और उसे उठाकर ले गए, किसी कमरे में ले जाकर उसकी पिटाई की। वहीं इस मामले में क्षेत्र थाना प्रभारी जसबीर सिंह का कहना है कि वहां हजारों रेड़ियां लगती हैं और उनके मुंशी ने देखा कि उसकी रेड़ी गलत जगह लगी थी। जब उसे रेड़ी उस जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने को कहा तो वह बदसलूकी करने लगा, इसलिए पुलिस उसे थाने लेकर आई, माफी मांगने पर छोड़ दिया, नहीं तो वहां कॉलोनी वासी पत्थर बरसाने लगते। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरी जाते हुए आपने बहुत सुना होगा, कई लोगों के काम धंधे बिल्कुल ही बंद हो गए, जिनकी वजह से जो वो काम करते थे उससे नीचे के कामों में उन्हें संलग्न होना पड़ा या फिर उन्हें अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा। ऐसा ही एक वाक्या धनास का है, जहाँ एक युवक को अपने परिवार का पेट पालने के लिए सब्जी की रेड़ी लगाने पर पुलिस वालों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें लकी नामक युवक जो धनास में रहता था, वो एक डांस टीचर था, उसके रेड़ी लगाने पर, सब्जी की रेड़ी लगाने पर पुलिस वालों ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट करी, और मारपीट भी ऐसी कि एक प्राइवेट कार में ले जाकर उसे बाहर कहीं मारा गया, ऐसा आरोप उस युवक की ओर से लगाया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कहता है वो युवक। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम लकी है, मैं इधर ही अपने घर के पास में रेडी लगा रहा था। अच्छा, क्या किस्सा हुआ था ये आपका जो पुलिस के साथ में हुआ है? तो उन्होंने, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला कि साइड में लगा ले जाके जी। तो फिर मैं अपनी रेडी ले जाके साइड में लगा ली, ठीक है। साइड में लगाने के बाद वो पीछे से आए थे वन स्टार पुलिस वाले, तो उन्होंने मेरे पीछे एक एक खींच कर चाटा मारा मेरी गाल पे। फिर मैंने पूछा, जनाब आप मार क्यों रहे हो आप मुझे? तेरा ज़्यादा 3-5 करेगा तो तेरे नाम का पर्चा पा दूंगा। नहीं सर, ये तो बताओ मुझे चाटा मारने का पर्चा पाओ क्या मेरे पे? ठीक है, कह रहा ज़्यादा फालतू बोलेगा अभी ले जूँगा। तो फिर मुझे और दोबारा मुझे मारना शुरू कर दिया, उन्होंने हाथपाई करनी शुरू कर दी, ठीक है। और रेडी उड़ी मेरा सारा सब्जी, ठीक है, सारी सब्जी। मैंने सर अभी रेडी हम नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला चोरी चकारी करो। मैंने कहा सर जो दारू बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं कह रहे हो, जो अपनी मेहनत से रेडी या सब्जी लगा रहा है तो आप उनको कह रहे हो कि रेडी बंद करके चोरी चकारी करो? ये सर कहाँ का इंसाफ है, आप ये बता दो। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे अपनी पर्सनल कार लेके आए थे, मुझे उन्होंने बहुत मारा पहले पर्सनल कार में घुसने से पहले, फिर पर्सनल कार में मार उड़ के पर्सनल कार में रखा। ले जाने के बाद उन्होंने मुझे चौकी नहीं लेके गए। मैं पूछ रहा जनाब मुझे थाने लेके चलो, आप कहीं और लेके जा रहे हो, मुझे मारोगे। तो उधर ना 200 मीटर थाने से आगे लेके गए, बंद कमरा था किसी और का, मैं कमरा अभी तक मुझे याद है, मैं दिखा दूंगा कमरा। कोई मकान नंबर याद है? मकान नंबर नहीं है, झोपड़ी सी बंद किया है, उधर हिंदू बंदे बैठे थे, ठीक है जी। तो उधर मुझे कमरे में लेके गए, बंद कमरे में लाइट खोल के लट चका मुझे, लठों से चारों बंदों ने मुझे बहुत मारा दबके। मारने के बाद मुझे कह रहे हैं कि वहाँ कुछ बोलना नहीं है तूने, थाने में नहीं बोलना कि तेरे पे हाथ चका, ये नहीं चका, वो नहीं करा, ठीक है। मैंने कहा जनाब आपने तो मुझे बहुत मारा, मेरी टांग हाथ तोड़ दी है तुमने, तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा? अगर तू और बोलेगा तो तेरा लंबा पर्चा पाऊँगा और तेरी पूरी रात भर कुटाई करूँगा मैं। तो सर आप ये बताओ इसका कहाँ से इंसाफ निकलेगा इस चीज़ का? सब्जी बेचने में मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, बाल बच्चे जा रहा, मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ। जैसा कि युवक ने बताया कि उसके साथ सब्जी की रेड़ी लगाने पर पुलिस वालों द्वारा जाती की गई और मार पिटाई भी की गई, और ऐसे वीडियोज़ भी हम देख सकते हैं जिनमें कि वो पुलिस वाले उसको अपनी पर्सनल गाड़ी में ले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने बात की वहाँ के थाना प्रभारी से, उन्होंने ये बताया कि उनके जो मुंशी हैं उन्होंने ऐसे इलाके में रेडियां लगाने के लिए मना किया जहाँ पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जाता है, वहीं कई लोग वहाँ पर हज़ारों रेडियां लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा फैल रहा है। और लड़के की बात की तो उन्होंने ये बताया कि इस लड़के ने काफ़ी बदतमीज़ी करी, जिसके करके उन्हें ये
कदम उठाने पड़े। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से पूरे चंडीगढ़ को खोल दिया गया है, कामकाज खोल दिए गए हैं, मार्केटें खोल दी गई हैं। तो अगर हम देखें मिडिल अपर मैन, मिडिल क्लास, इन सब लोगों के लिए सुविधाएं हर जगह से इनका काम धंधा चलना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे त्योहारों का समय आ रहा है, ये लोग फिर भी अपना काम चला रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। पर अगर हम देखें उन गरीब लोगों की तरफ जिनके पास नौकरियां छिन चुकी हैं, जो 10-15 हज़ार की नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे, लक्की जैसे लोग जो डांस करके अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनके साथ कहीं ना कहीं ये जाति होते देख आप भी सहम गए होंगे। और ऐसे कई लोग हैं जिनकी चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं और वो प्रशासन, पुलिस महकमे और लोगों द्वारा दबते चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।